सोनभद्र जिले में दो जगहों पर सोने के ब्लॉक होने की बात आ रही सामने और अन्य भी खनिज मिलने की बात कही जी, जी, जी। तो क्या है मामला और क्या प्रक्रिया चल रही है संबंध में? देखिए, भारत सरकार की एजेंसी GSI और उत्तर प्रदेश की एजेंसी भूतत्व खनिकरण विभाग की जो मिनरल एक्सप्लोरेशन टीम ने इन धातु खनिजों के रिजर्व का पता लगाया है, जैसे सोन पहाड़ी में GSI ने काम किया, हरदी में हमारी विभाग के राज्य सरकार के विभाग ने काम किया है और इन सब के भारत सरकार की मंशा और राज्य सरकार की मंशा है कि इनको इन रिजर्व को लीज करने के लिए पट्टे पर देने की संभावना पर विचार कर रही है। तो ये सर्वे हो रहा है, इसको खसरा मैप पे प्लांट करके और इसमें फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए इसको लीज पे देने के लिए वो किया जाए। तो किसकी जगह पे है ये सोने के मुख्य भंडार? सोने के भंडार एक गुरमुरा से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक सोन पहाड़ी है जो पनारी उस ग्राम पंचायत में आता है और एक हरदी गाँव है, परदच गाँव में हरदी है कहलाता है। यहाँ पे दो जगह सोने के रिजर्व मिले हैं। ठीक है, तो सर ये जो ये प्रक्रिया हो रही है सर, इसमें कितना सोना है और क्या इसका वैल्यू है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, जो यहाँ पे सोन पहाड़ी में है करीब 2600 मिलियन टन इसका रिजर्व आंका है भारत सरकार की GSI ने, और जो हरदी फील्ड है यहाँ पे हमारे विभाग ने करीब 650 मिलियन टन का रिजर्व आंका है। तो सर, ये कब तक माइनिंग होगी इसकी और कब इसकी प्रक्रिया होनी है? इसी के लिए सर्वे हो रहा है कि इसको फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना रेवेन्यू लैंड है, इसको देखते हुए जब रिपोर्ट जाएगी तो उसको फिर सरकार भारत सरकार से विचार करके इसको जो भी करंट प्रोसेस होगा पट्टा देने के ई टेंडर प्रोसेस के माध्यम से करेगी। और कौन कौन से सर धातुएं हैं जो यहाँ पे मिल सकती हैं? और पोटास मिले हैं और इसके अलावा एंडलोसाइट और सिलेमनाइट मिले हैं और एक जगह आयरन ओर का भी मिला है भंडार।